सुप्रभात विद्यार्थियों सिक्स क्लास के लिए आज हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप प्रकरणम शब्द रूप संस्कृत व्याकरण में शब्द तीन प्रकार के होते हैं वो कौन से हैं नंबर एक नाम जिसे हम संज्ञा कहते हैं संज्ञा नाम किसी का भी हो सकता है व्यक्ति वस्तु स्थान नंबर दो धातु जिसको हम क्रिया कहते हैं और नंबर तीन अव्य शब्द वचन संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं एक वचन द्विवचन और बहुवचन हिंदी भाषा में वचन दो ही होते हैं एक वचन और बहुवचन इसके बाद में लिंग संस्कृत भाषा में लिंग भी तीन होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुसक लिंग हिंदी भाषा में दो ही पुल्लिंग होते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अब आती है संज्ञा संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं नंबर एक अजंत जिनको हम अच्छ कहते हैं यानी स्वर से समाप्त होने वाले शब्द नंबर दो हलंत हल अर्थात व्यंजन से समाप्त होने वाले शब्द तो दो प्रकार के होते हैं संज्ञा शब्द याद रखेंगे हम अजंत और हलंत अजंत कौन से होते हैं जो शब्द स्वर पर समाप्त हो रहे हैं और हलंत कौन से हो रहे हैं जो व्यंजन से समाप्त हो रहे हैं यानी पीछे व्यंजन आता है अर्थात हलंत आता है पीछे वो व्यंजन यानी हलंत शब्द कहलाते हैं अब इनकी परिभाषा देखिए जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं वे अजंत कहलाते हैं उनको हम स्वरांत भी कहते हैं जैसे राम पीछे ए आ रहा है कवि इ, गुरु उ वधु ऊ दीर्घ गौ आदि ये शब्द क्या हैं अकारांत इकारांत उकारांत और अकारांत ये कहलाते हैं स्वरांत अर्थात अजंत शब्द कहलाते हैं फिर हलंत की परिभाषा देखिए जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है वो कहलाता है हलंत उनको हम व्यंजनांत भी कहते हैं जैसे राजन मरुत बलवत आदि न पीछे हलंत लगाए इसमें स्वर नहीं है इसीलिए ये व्यंजन शब्द है मरुत त में हलंत लगा है, पीछे बलवत में त में हलंत लगा है, इनमें स्वर नहीं है इसीलिए व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं तो ध्यान रखना है हमें अजंत और हलंत शब्द तीन तीन लिंगों में विभक्त हैं अर्थात अजंत शब्द होते हैं वो भी तीनों लिंगों में चलते हैं और हलंत होते हैं वो भी तीन लिंगों में होते हैं तो सबसे पहले है अजंत पुर्लिंग में जैसे राम हरि भानु पितृ आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें पीछे स्वर आता है और वो पुल्लिंग शब्द होते हैं नंबर दो स्त्रीलिंग अजंत रमा गौरी वधु मती मात्र आदि वे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं पर उनके पीछे स्वर आता है नपुसकलिंग अजंत देखिए पुस्तक वारी फल दधि आदि वे शब्द जो नपुसक लिंग होते हैं पर उनके पीछे स्वर आता है तो इस प्रकार से ये तीनों लिंगों में बटे हुए हैं अजंत अजंत पुलिंग अजंत स्त्रीलिंग और अजंत लिंग अब है अजंत हलंत पुरलिंग हलंत पुलिंग में शब्द देखिए राजन आत्मन विद्वत न आत्मन में भी न विद्वत में भी त और इनमें तीनों में हलंत आ रहा है यानी कि ये व्यंजन है तो इनको व्यंजनांत या हलंत शब्द कहते हैं ये हो गए हलंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भी होते हैं इसमें वाच गिरी सरित आदि इनमें भी हलंत लगे हुए हैं नपुसकलिंग जगत चक्षुष नभस इनमें भी सब में नीचे हलंत है यानि कि व्यंजन है तो इसलिए ये हलंत नपुसक लिंग के शब्द हैं तो अब हम अक्कार पुरलिंग राम के शब्द रूप पढ़ेंगे संज्ञा शब्द है ये राम और इसके शब्द रूप हैं शब्द रूप में विभक्ति होती है जो सात विभक्तियाँ कितनी होती हैं सात और वचन होते हैं तीन यानी कि तीनों वचनों में सात विभक्तियों में ये शब्द रूप चलते हैं कुल इक्कीस शब्द होते हैं इन शब्द रूपों में तो बड़ा आसान है इनको याद करना भी और लिखना भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में देखिए रामो हो द्विवचन में रामओ बहुवचन में द्वितीय विभक्ति में एक वचन में राम द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामान तृतीय विभक्ति में एक वचन में द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामे चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में रामाय द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में राभ्य पंचमी विभक्ति में एक वचन द्विवचन रामाभ्याम बहुवचन रष्ट विभक्ति में एक वचन में रामस्य द्विवचन में रामो और बहुवचन में रामाणाम सप्तमी विभक्ति में एक वचन में रामे द्विवचन में रामयो हो और बहुवचन में रामेशु संबोधन देखिए संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति के समान ही होता है ये पुकारने के लिए आता है किसी को बुलाना हो तब तो एक वचन हे राम द्विवचन हे रामो और बहुवचन ए रामा। इसको याद करने का तरीका देखिए अभी हमने जैसे पढ़ा वैसे भी आप याद कर सकते हैं इसके अलावा इसको याद करने के लिए राम रामो राम द्वितीय विभक्ति में रामम रामो रामान तृतीय विभक्ति रामेण रामाभ्याम रामे चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्याम रमेभ्य पंचमी विभक्ति रामात्रभ्य रामा षष्ठी विभक्ति रास्ण सप्तमी विभक्ति रामे रामो राम। संबोधन हे राम हे रामो हे रा अभी हमने पढ़ा पहले अकारान्त पुिंग अब हम पढ़ रहे हैं इकारांत इक पुण्लिंग जिसमें है कवी शब्द कवि शब्द जो है वो प्रथम विभक्ति में एक वचन में आता है कवि है द्विवचन में कवि बहुवचन में कविय द्वितीय विभक्ति में एक वचन में आता है कवीम, द्विवचन में कवि बहुवचन में कवीन। तृतीय विभक्ति में एक वचन कविना द्विवचन कविभ्याम बहुवचन कविभ्य चतुर्थी विभक्ति में एकवचन द्विवचन कविभ्या और बहुवचन कविभ्य पंचमी विभक्ति में एक वचन द्विवचन कविभ्या और बहुवचन विभक्ति में एकवचन कव द्विवचन कव्यो बहुवचन कविनाम सप्तमी विभक्ति में एक वचन कवो दिवचन कव्यो हो और बहुवचन कविसु संबोधन हे कवे हे कवि हे कव्य राम की तरह ही इनको भी हम उसी तरीके से याद कर सकते हैं कवि है कवि कविय कवी कवि कवी, कवीन कविना हम कवि भी है कविये कविभ्याम कविभ्य कवेह कविभ्याम कविभ्य कवे है कव्य हो कविनाम कवो कव्य हो कवि हे कवे हे कवि हे कव्य तो इस तरीके से ये हैं कवि के शब्द रूप और इसी तरीके से ऋषि गिरी कपि रवि आदि के भी शब्द रूप चलते हैं हमने राम के पढ़े थे तो राम की तरह ही दूसरे शब्द भी हैं जो चलते हैं जैसे अश्व अज आदि ऐसे अकारांत शब्द जो ए पर खत्म होते हैं उनके रूप राम की तरह चलते हैं तो इन शब्द रूपों को हम अच्छे तरीके से याद करेंगे आगे हम और भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इनको याद करें और इसके हिंदी अनुवाद किस प्रकार से वाक्यों में लिए जाते हैं वो भी मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी